अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सा पाउच बनाने जा रहे हैं जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए देखो, इसका ये हम बचे हुए पीसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि अक्सर बच जाते हैं इतने पीस। ये देखो, इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 10 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 15 इंच। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसकी कटिंग करेंगे अब हम। तो ये हमने कटिंग करके, ये लाइनिंग वाला पीस भी हम उसके बराबर की, ये इसके लिए और एक इसके लिए और एक इस तरह से, ये हमने कटिंग करनी है। सबसे पहले हम ये 3 पॉकेट का बना, 3 ज़िप हमें हमारा लगेगा इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इसे इस तरह से रखेंगे। ये देखो, ये हमारा ज़िप है, ये सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। ये हमारा जो लाइनिंग वाला पीस है, इस तरह से रख कर यहाँ पर सबसे पहले हम ये स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमने स्टिचिंग कर ली है, अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक स्टिच करेंगे। ये देखो, ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं, टॉप स्टिच भी कर लिए हैं। अब दूसरा जो ये हमने 1.5 इंच पे कटिंग किए थे वाला पीस लेंगे, उसे ये देखो इस तरह से सीधे पे सीधा रखेंगे और ये लाइनिंग वाला पीस इस तरह से रखेंगे यहाँ पर, इस तरह से इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब दोनों इस तरह से रखेंगे यहाँ पर, यहाँ से टॉप स्टिच करेंगे। देखो, ये हमने टॉप स्टिच की। अब ये दूसरा ज़िप लेंगे हम इसे इस तरह से। सबसे पहले हम यहाँ से इसे रखकर इस तरह से स्टिच करेंगे सीधे पे सीधा। तो ये हमने स्टिचिंग कर ली है, अब इसे इस तरह से रखकर यहाँ पर टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो, ये हमने स्टिचिंग कर ली है। अब जो हम दूसरा पीस इस तरह से रखे थे, उसे इस तरह से सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और ये लाइनिंग वाला पीस नीचे रखेंगे इस तरह से, यहाँ पे इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, ये हमने स्टिचिंग कर ली है, अब इसे इस तरह से रखेंगे, इसे यहाँ पर भी एक टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो, ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब दो रनर का इस्तेमाल करेंगे हम। ये देखो, ये दोनों रनर इंसर्ट कर चुके हैं हम। अब एक लाइनिंग वाला पीस लेंगे इस तरह से, इस पे रखेंगे और इसकी पूरी इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं, अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इसकी कटिंग करेंगे हम। ये हमारी कटिंग हो गई। यहाँ पे हम ज़िप स्टिच करेंगे, तो उसका देखो किस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखो, इसके लिए एक लाइनिंग वाला पीस ये लिए हैं और ये इसके लिए लिए हैं। सबसे पहले हम इसे सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और एक लाइनिंग वाले पीस इस तरह से रखकर इसकी स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे। जिस तरह से ये करेंगे, सेम उसी तरह से इसे भी स्टिच करेंगे। ने पूरी स्टिचिंग करके रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब हम इस तरह से एक छोटा सा पकड़ने वाला बनाएंगे, तो उसका मेजरमेंट देख लें आप। ये ऑप्शन, अगर आपको बनाना है तो बनाएं। ये मैंने 10 इंच इसकी लंबाई ली हूँ और 2.5 इंच इसकी चौड़ाई ली हूँ। इस तरह से 1, 2 और इस तरह से फोल्ड करके इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये हमने स्टिचिंग कर ली है, अब इसे इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखो, ये हमने स्टिचिंग कर ली है। अब एक हम सेम इसी मेजरमेंट से एक हम लेंगे इस तरह से। सबसे पहले हम यहाँ पे इसे इस तरह से, सबसे पहले जो हमने लिए हैं एक्स्ट्रा, यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे
और इसका जो 10 इंच है इसका हम 5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। ये यहाँ पे हम वेलक्रो इस तरह से स्टिच करेंगे एक इस साइड, और सेम इसी मेजरमेंट से हम पीछे साइड इस तरह से निशान लगा देंगे। ये देखो ये हमारा मिल गया, और एक इस साइड इस तरह से हम स्टिच करेंगे। ये स्टिचिंग हम सीधे साइड कपड़े पे करेंगे, इस साइड नहीं करेंगे, ये हमारा सीधा है तो यहाँ पे हम इस तरह से स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिए। अब इसे सिलने से पहले ये देखो जो वेलक्रो लगाए ये अंदर की तरफ करेंगे इस तरह से, और इसकी पूरी चौकोर में स्टिचिंग करेंगे। देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब ये जो ये एक जिप हमें दिख रहा है इस तरह से ओपन करेंगे, और इस तरह से इसे कोने निकाल कर इसे सीधा करेंगे हम। फाइनली ये इस तरह का ये हमारा बैग रेडी हो गया है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा एक पॉकेट बना है, और ये हमारी दूसरी पॉकेट है। इस तरह से देखें काफ़ी फिनिशिंग के साथ बनी है ये इस तरह से। मार्केट में ये बहुत आसानी से मिल जाती है, उससे बेहतर है कि आप इसे घर बनाएं। इसे बनाना काफ़ी आसान है, काफ़ी खूबसूरत भी है। शुक्रिया।